हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मिस्टर एक्सप्लोरर, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरीफाई एंडलेस में। वैसे कैप्टन अमेरिका को तो हम सब जानते होंगे, खैर छोड़िए मैं बताता हूँ। कैप्टन अमेरिका मार्वल कॉमिक का काल्पनिक कैरेक्टर है जिसको अपने शुरुआती मिलिट्री डेज में प्रोजेक्ट रीबर्थ के लिए चुन लिया जाता है। वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहता है और जेनेटिक मॉडिफिकेशन के कारण वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली सोल्जर हो जाता है। तो दोस्तों सोचिए कि व्हाट इफ दिस जेनेटिक मॉडिफिकेशन आर ब्रॉट इन अवर रियल लाइफ, मतलब कि कैप्टन अमेरिका जैसा आदमी असलियत में बनाना। ओ वाओ, तो चलिए दोस्तों, आज मैं ऐसे ही एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि एरिया 51 में साइंटिस्ट द्वारा अपने ही बेटी के ऊपर किया गया था और उसका जो नतीजा हुआ वो आप सबके रोंगटे खड़े कर देंगे। साथ ही साथ हम कुछ फुटेज भी शेयर करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाजू में बेल का आइकन दिया होगा, प्लीज़ उस बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये बात है 1943 की, वर्ल्ड वॉर टू के ख़त्म होने के कुछ समय बाद की, और उस समय यूएस को दूसरे देशों के साथ शांति समझौता करना पड़ा था। एल्बर्ट वेस्टन जो कि एक साइंटिस्ट है, 1943 में वो काम करते थे यूएस मिलिट्री के लिए उनके सीक्रेट एयरफोर्स मिलिट्री बेस एरिया 51 में। उनको कैप्टन अमेरिका की तरह शाही सोल्जर विकसित करने का जुनून था, तो उन्होंने वॉलेंटियर ढूंढना स्टार्ट किया अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो फिर अंत में उन्होंने फैसला किया कि उनकी बेटी इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे सही है और उन्होंने इस प्रोजेक्ट का नाम दिया एबिगेल प्रोजेक्ट। हालांकि प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद दूसरे साइंटिस्टों ने इसे रोकने की सलाह दी क्योंकि एबिगेल का फेस खराब होने लगा था, उसके दांत अनरेगुलरली ग्रो कर रहे थे, बाल झड़ने लगे थे और पूरे शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई थी, दिमागी हालत भी खराब हो गई थी। मगर एल्बर्ट को पता था कि वो अगर ये प्रोजेक्ट रोक देंगे तो उनकी बेटी मर जाएगी और वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अंत तक ले जाने का फैसला किया। कुछ अधिकारियों के रिपोर्ट के अनुसार उन्हें एक बड़ी मात्रा में भोजन लाना ले जाना पड़ता था। उन लोगों ने एल्बर्ट को घंटों उसके केज के बाहर रोते हुए देखा था। एबिगेल अपना दिमाग पूरी तरह खो चुकी थी, वो लगभग 10 फीट लंबी हो चुकी थी और उसकी चौड़ी हड्डियां केवल थोड़ी सी त्वचा को बनाए रखी थी। उसके अंतरात्मा के बिना वो एक जंगली जानवर बन गई थी। अपनी बेटी के बिगड़ते हालत के कारण उनसे रहा नहीं गया और ऊपर से उन पे दबाव बनने लगा इस प्रोजेक्ट को बंद करने का, क्योंकि एबिगेल बहुत खाना खाती थी। 2 साल तक एल्बर्ट पूरी कोशिश करता रहा, फिर जब उन्हें लगने लगा कि वो फेल होते जा रहे हैं तो उन्होंने एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने अपनी बेटी को बचाने की भीख मांगी और उन्होंने सुसाइड कर लिया। फिर यूएस गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट को चलने दिया एबिगेल के रिकवर होने के लिए, बट कोई भी इम्प्रूवमेंट ना होने के कारण गवर्नमेंट ने उसे मार देने का ऑर्डर दिया और उन लोगों ने एबिगेल को खाना देना बंद कर दिया। उसके बाद रात में एबिगेल की जोर जोर से चीखने की आवाज़ें आने लगी जो कि सब सुन के बहुत डर गए और वो भूख के मारे एक जानवरों जैसा बर्ताव करने लगी थी। उसका हाइट 10 फीट होने के कारण उसने उस केज को ईजिली तोड़ दिया और उस केज को तोड़ने के बाद एबिगेल ने वहाँ के खड़े गार्डों पर हमला किया जिसमें से 2 गार्ड को उसने मार दिया और वो भी सिर्फ अपने भूख मिटाने के कारण। उसके बाद एबिगेल उस एरिया 51 में कहीं लुप्त हो गई और कोई नहीं जानता उसके बाद उसका क्या हुआ और वो कहाँ गई। तो आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, मुझे कमेंट में बताएं और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।